अखिलेश और राजभर की रैली से थम गई बीजेपी की सांसें। क्या अखिलेश और राजभर ने बिगाड़ दिया योगी आदित्यनाथ का गणित? क्या पूर्वांचल में बीजेपी की जीत का रास्ता हो जाएगा बंद? ये पहली बार था जब अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर दोनों एक मंच पर नजर आए। अखिलेश ने सुभाषपा का पीला गमछा और ओपी राजभर ने लाल टोपी लगा रखी थी। तो क्या ये लाल पीले की जोड़ी विधानसभा चुनाव में कमाल दिखाएगी? यूपी की राजनीति के लिए बड़ा दिन था। गठबंधन का ऐलान कर चुके इस सरकार में मंत्री रहे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव की पार्टी सपा के साथ थी। वहीं मऊ में दोनों ने विशाल रैली साझा की। इस रैली ने बीजेपी की नींद उड़ा दी और ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल में योगी की जीत का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया। पूर्वांचल का इतिहास रहा है कि यहाँ पर विकास के नाम पर कोई नहीं जीता, या तो जात के आधार पर या फिर तुष्टिकरण के आधार पर जीत मिली है। देखा जाए तो अखिलेश यादव ने पूर्वांचल को पूरी तरीके से जकड़ लिया है। पहले तो अखिलेश यादव ने माफियाओं के परिवार का बूट अपने पाले में लाने में सफल रहे और मुख्तार अंसारी के भाई को शामिल कर मुस्लिम समाज का बूट लिया। इसके बाद अब राजभर के जरिए पिछड़ों का बूट लेने में कामयाब दिख रहे हैं। तो क्या 100 सीटों पर खतरा मंडराने लगा है? पूर्वांचल में कुछ 17 जिले हैं, जिसमें 8 जिले ऐसे हैं जहां पर बीजेपी सपा से पीछे है। तो क्या पूर्वांचल की 100 सीटों पर राजभर और अखिलेश का कब्जा होगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये बात तो तय है कि राजभर और अखिलेश का गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है।